सैमसंग S21 FE5G का म्यूज़िक प्लेयर ऐप कैसे डाउनलोड करें, या फिर आपके मोबाइल में इनबिल्ट पड़ा हुआ नहीं है तो कौन सा वाला सही रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। या सैमसंग का ऑफिशियल म्यूज़िक प्लेयर ऐप होता है, आपको वही चलाना है ताकि एड्स वगैरह ना आए और आप बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम्फर्टेबल कन्वीनियंट के साथ आप चला पाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए कि म्यूज़िक प्लेयर ऑलरेडी इनबिल्ट है कि नहीं, ठीक है। कोई कोई मोबाइल में ऑलरेडी नहीं आता है तो आपको डाउनलोड करना होता है सैमसंग का ऑफिशियल म्यूज़िक प्लेयर ऐप। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पर सर्च करना है सैमसंग म्यूज़िक प्लेयर, सैमसंग म्यूज़िक प्लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सैमसंग का म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है, सैमसंग म्यूज़िक ऐप। तो ये इसका नाम ये होना चाहिए नीचे में, ठीक है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को LTD, ठीक है। तो सैमसंग का यहाँ पे सारा ऐप आपको मिल जाता है, ठीक है, सैमसंग का ब्राउज़र हर कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सैमसंग का ये आपको इंस्टॉल करना है। तो सैमसंग का मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, मुझे अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है। और जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आप शो करता है, देखिए यहाँ पे स्पॉटिफाई आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, फेवरेट्स पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट जा सकते हैं, ट्रैक्स पे जा सकते हैं, एल्बम्स आर्टिस्ट पे जा सकते हैं और यहाँ पे फोल्डर्स पे जा सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स आपको यहाँ पे दिया जाता है सैमसंग का जो वो सैमसंग का जो सॉन्ग है उस पर, सॉन्ग जो म्यूज़िक प्लेयर है उस पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शफल का ऑप्शन है और यहाँ पर रिपीट ए करते हैं तो ये रिपीट होगा, ये एक ही गाना बार बार रिपीट होगा, ये नेक्स्ट जाएगा गीत और ये पूरा गाना शफल होकर रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप इक्वलाइजर भी मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप सैमसंग का ऑफिशियल ऐप जो है डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।